हिंदी साहित्य की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं, स्पेशली आपके हरियाणा के लिए और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग ये श्रृंखला इस समय चला रहे हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं और हमारा बैच भी चल रहा है। जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आता है। तो हरियाणा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 2024 में, उसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, यानी कि उत्तर लेखन का अभ्यास कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें उत्तर लेखन में, और इसकी शब्द सीमा क्या हो, यानी कि जब हमें कोई भी उत्तर लिखना होगा तो उसमें आपको हो सकता है कुछ 150 शब्द में लिखने हो, कुछ 200 में लिखने हो और कुछ 250 में लिखने हो, तो कैसे शब्द सीमा का ध्यान रखा जाएगा, किस पेन का इस्तेमाल करें, यह भी बहुत ही जरूरी प्रश्न बनता है, किस पेन का इस्तेमाल करें और अभ्यास कहाँ से करें। तो इन सारे चीजों का जो इन सारे चीजों अब आप जितने भी सवाल आपके बनते हैं वो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन बातों का ध्यान रखें। ये चीज आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे कि आपके सिलेबस में जो एक टॉपिक है विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विकास, उसमें से हमने एक टॉपिक उठा लिया है, वो है ब्रजभाषा। ठीक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मेरा फेवरेट भाषा भी है ब्रजभाषा। मुझे ब्रजभाषा बहुत अच्छी लगती है। तो अब आपके एग्जाम में ब्रजभाषा से संबंधित किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, वो हमने इस नोट्स में, जो हमारा अपना नोट्स है, इस नोट्स में हमने वो हर चीज कवर करने का प्रयास कर लिया है। इस नोट्स को हम प्रिंटेड रूप में आपको अपने आपके बैच में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे बैच में जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि हम लोग HPSC का बैच भी चला रहे हैं, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए है, जिसमें हम आपको प्री से मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराएंगे। अगर आपको कोई इस पे चाहिए जानकारी तो आप हमारी इस नंबर पे 9450403952 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल आएगी। तो हम इस वीडियो में मेन जो डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से उत्तर लेखन का अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे और कैसे अप्रोच करना है। तो मैं ब्रज भाषा के माध्यम से आपको ये चीज समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो ब्रज भाषा आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे, जितने भी बनेंगे, हमने नोट्स में कवर करा। हम सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि ब्रज, मान लीजिए एक सवाल आता है कि काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास का वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में एक सवाल आता है कि काव्य भाषा के रूप में ब्रज के विकास का वर्णन कीजिए। तो अब इस सवाल को कैसे टैकल करना है, उस चीज पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमको क्या करना है, हर एक डायमेंशन पे को कवर करना है ताकि हमारी कॉपी सबसे अलग लगे और हम कॉम्प्रिहेंसिव चीजों को लिखते हुए चलें। जब हम ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में उसका वर्णन करने जाएंगे तो हम आदि काल से उठाते हुए, यानी कि हम आदि काल से उठाते हुए आधुनिक काल तक ब्रज भाषा के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे एग्जामिनर को, और कम से कम शब्दों में 150 से 250 शब्दों के बीच में हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम हर चीज कवर कर लें और हमारा उत्तर जो है एक अच्छा उत्तर, एक विस्तृत उत्तर, एक कॉम्प्रिहेंसिव उत्तर बन जाए। ठीक है, तो सब क्या करेंगे हम, जब हम काव्य भाषा के रूप में इसका वर्णन विकास लिखेंगे, जब इसका उत्तर लेखन करेंगे, तो सबसे पहले हम आदिकाल पे लिखेंगे, और आदिकाल के जो सबसे फेमस कवि हैं वो हैं खुसरो। खुसरो के बारे में हम लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने ब्रज भाषा पे ये सवाल आया, तो हमने ब्रज भाषा की एक डिफिनेशन बनाई, डिफिनेशन हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास, ये हमने हेडिंग डाल दिया, काव्य भाषा के रूप में इसका विकास। सबसे पहले हमने डाला कि आदिकाल में विकास। ठीक है, अब आदिकाल में हमने खुसरो को एक उठाया, उनके एग्जाम्पल समझा दिया कि मेरा मुंह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत। हम बता देंगे कि ब्रज भाषा में किस तरह खुसरो जी ने अपने रचनाओं में ब्रज का इस्तेमाल किया, यानी कि काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में इस तरह का उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपने उत्तर का लेखन करेंगे, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ कि इसको इस बारे में जानकारी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जब यहां से लिख लिया, हमने आपसे कहा कि हमको
आदिकाल से आधुनिक तक आना है। अब हमने खुसरो के बारे में, आदिकाल के बारे में समझा दिया, अब हम आएंगे थोड़ा सा आपके भक्तिकाल की ओर। ठीक है, भक्तिकाल से पहले भी हम सूर पूर्व युग में चाहें तो, जैसे अगर हमारा 250 वर्ड में लिखना है तो हम थोड़ा और विस्तृत सूर के पूर्व युग में भी दिखा सकते हैं कि सुधीर अग्रवाल और संत अनाथ देव, अर्जुन देव, ये सब भी ब्रजभाषा का रचनाएं करते थे। इनका भी एक एग्जाम्पल से लिख देंगे कि जन्म जन्म की बिछुड़िया मिलिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा देंगे कि सूरदास पूर्व युग में, सूर पूर्व युग जिसे बोलते हैं, वहां भी ब्रजभाषा का इस्तेमाल काव्य भाषा के रूप में हुआ है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है भक्तिकाल में, जिसमें ब्रजभाषा का खूब तगड़े से यूज हुआ, सारे कवियों ने इसका इस्तेमाल किया, जिसमें सूरदास जी प्रमुख हैं आपके। ठीक है, हो सकता है आपका सवाल सिर्फ इतना पूछे कि सूरदास जी ने ब्रजभाषा का इस्तेमाल कैसे किया, उसका उदाहरण समझाइए, तो आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा। अब सूर के युग में आ गए, यानी कि हम भक्ति काल में प्रवेश कर गए हैं। हमने सूरदास के माध्यम से समझा दिया, उधो मन न भय दस बीस, एक हो तो सो गयो शाम को औ राधो ईश। यानी कि सूरदास जी ने इस पंक्ति में कैसे आपके ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया, हमने यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, उधो मन न भय दस बीस, एक हो तो सो गयो शाम संग को और राधे ईश। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, मतलब एक आधुनिकता से अगर हम जुड़ने का प्रयास करें, आप लोग के साथ जुड़ने का प्रयास करें, जैसे हमारे मन में ये तो गोपियों के और कृष्ण भगवान के बारे में वर्णन है यहाँ पे, लेकिन अगर हम आधुनिक अब आज के समय से करने का प्रयास करें इसको, तो जैसे हम क्या सोचते हैं ना कि हम जैसे सोचते हैं भाई मैं ये भी एग्जाम दे लेता हूँ, ये भी एग्जाम दे लूंगा, यूपी का भी दे लूंगा, हरियाणा का भी दूंगा, यहाँ का भी दूंगा, सारे एग्जाम क्या होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएस भी सब दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो होता है ना भटकाव आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि उधो मन न भय दस बीस, एक हो तो शो गयो श्याम संग को और राधे ईश। यार तो 10 तरीके के मन रखने से अच्छा है एक ही मन बनाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर पे मन बनाओ, टारगेट अपना एक सेट कर लिया कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जाम देंगे, इसी पे अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आधुनिकता के साथ अगर हम जोड़ने का प्रयास करें तो ये एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल निकल के आता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम सूर्य युग में आने बात करें तो उसमें मीरा भी रचती थी आपकी, रहीम जास जी थे, रस खान जी थे, फिर इनके एग्जाम्पल भी आप चाह सकते, पग घुंघरू बांध मीरा राची रे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपने ये भी दिखा दिया कि इस युग में और भी लोग लिखते थे, हमने एक पंक्ति के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर लिया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, हम थोड़ा प्रवेश करते हैं रीतकालीन काव्य में। अब हमने रीतकालीन काव्य में दिखा दिया कि इस काल में यह काव्य भाषा की काव्य भाषा से के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एकमात्र भाषा के रूप में स्थापित हो गई। मतलब अभी तक जो वैकल्पिक था कि काव्य भाषा में ब्रज का यूज होगा, अब यहां पर एकमात्र भाषा के रूप में हो गई, यानी कि इस काल में सिर्फ और सिर्फ लोग जो है ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रज भाषा का इस्तेमाल करने लग गए। एक देखिए, हम कोई बात जब एग्जाम में लिखेंगे ना तो उसको हम प्रूफ करते हुए चलेंगे। हमने इस बात को लिखा कि रीतकालीन काव्य में हमने प्रवेश किया, हमने लिखा कि इस काल में यह काव्य भाषा के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एकमात्र भाषा के रूप में स्थापित हो गई। अब हम दिखाएंगे कि भिखारी दास जी इस काल के एक बहुत अच्छे माने जाने कवि थे। ठीक है, उन्होंने कैसे लिखा है कि ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की वाणी है सो जानी। इस उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए और जी देखें तो इस काल में ब्रज भाषा सौंदर्य तो एक सेकंड तो सौंदर्य इस काल में ब्रज भाषा आपकी सौंदर्य और श्रृंगार जैसे विषयों का प्रतीक बन गई, जिसमें अलंकारिता, सजगता और चमत्कार ये सब चीजें बहुत ही व्यापक रूप से परिलक्षित होने लग गई। ठीक है, और फिर हमने ये लाइन लिखा, हमने इस चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से पुनः समझाने का प्रयास किया कि कैसे बिहारी दास जी ने एक लिखा है कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, अरे भरे भौन में करत है नैनन ही सौ बात। ठीक है,
हमने इस काल की बिहारी जी के बारे में भी वर्णन कर दिया कि काव्य भाषा का कैसे इस युग में यूज हो रहा है यानी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं आपके एग्जाम में। हमने ये आप लोग देख सकते हैं, इस पीडीएफ को मैं आपको अपना टेलीग्राम पे भेज दूंगा। चलिए एक और मैं देख लेता हूं कि इस टेलीग्राम को इसको मैं टेलीग्राम पे दे दे रहा हूं, आप वहां से एक बार देख लीजिएगा डिटेल में। मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए हमने एक डायमेंशन और कवर कर लिया यहां कि अगर आप ब्रज भाषा की आपकी भाषाई विशेषता पूछ लेता है, मान लीजिए आपसे कहता कि ब्रज भाषा की भाषाई विशेषता बताओ, तो हमने यहां से भी उसको कवर करने का प्रयास किया है कि ओकरांतता इसकी है, चढ़ेगो हो तो जाओगे, ए और ओ का बहुत आता है प्रयोग किया जाता है, आवे गाओ आवे गयो, शब्दों में आप मेड़ा मिलता है जो बाद में ना के रूप में आने लगा, जैसे जो उनके गुना ही। यहां से मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, रा के स्थान पर डे का प्रयोग, ड़ा का स्थान पर ना का प्रयोग, इस तरह के अलग अलग चीजों का ये अलग अलग उसका मैंने बताने का प्रयास किया है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझिए और कैसे उत्तर लेखन करना है, इस चीज को हम लोग अपने बैच में बता रहे हैं। ब्रज भाषा की अगर आपकी शक्तियां पूछती है तो ब्रज भाषा की शक्तियां भी हम लोग ने यहाँ पे कवर किया है। मतलब एक टॉपिक का हर डायमेंशन कवर कर लिया है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। जैसे आपके पूछेगा ब्रज भाषा की शक्तियां क्या है, तो आपको लिखना है कि अद्भुत कोमलता व माधुर्य इसकी मूल शक्ति है, वात्सल्य श्रृंगार के क्षेत्रों में विशेषीकृत इस भाषा ने वात्सल वर्ण का जो अस्तित्व हुआ है वह शायद ही किसी अन्य भाषा साहित्य में मिले आपको। ठीक है, जब हमने ये लाइन लिखी थी हमने तुरंत नीचे समझाया कि शोभित कर नवनीत लिए घुटलन चलत रेणु तन मंडित, ये हमने तुरंत जैसे ही एक शब्द बोला हमने यहां से उदाहरण के माध्यम से समझाने का भी प्रयास कर दिया। ठीक है, तो ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से आपको उत्तर लेखन का अभ्यास करना है। बतरस लालच लाल की इस तरीके से हर डायमेंशन कहट मतलब इज्जत के जत हर डायमेंशन को हमने इस नोट्स में कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर इसकी सीमाएं पूछता है तो हमने सीमाएं को भी पॉइंट वाइज कवर करने का प्रयास किया है। अगला सवाल बन सकता है कि ब्रज भाषा अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में कैसे हुई, इसका प्रमुख कारण क्या था, उसको भी कवर करने का यहाँ प्रयास किया गया है। मतलब एक टॉपिक का हर डायमेंशन हमने कवर कर लिया है। ठीक है, प्रमाण में हमने ये भी दिखा दिया कि तुलसीदास जी जो अवधि भाषा में लिखते थे उन्होंने भी कुछ रचनाएं अपनी ब्रज भाषा में लिखी, जैसे राम सो बड़ो कौन मोसे कौन छोटो। ठीक है, तुलसीदास जी ने जो कुछ कविताएं ब्रज में लिखी हैं, जो अवधि के महान कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी कुछ चीजें ब्रज में लिखी हैं। इसका मतलब कि ब्रज किस तरह से अपने क्षेत्र से भी आगे था वो हम दिखाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं, इस पूरे श्रृंखला में हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार हिंदी की बोलियां, जो अन्य बोलियां जैसे भोजपुरी और बिहारी जितनी भी बोलियां हैं, हम लोग ने इसको कवर करने का प्रयास किया है। जो आपके एग्जाम फिगर भी डालने का प्रयास किया हिंदी साहित्य में, थोड़ा बहुत कोशिश किया है कि थोड़ी कलात्मकता लाई जाए, थोड़ा नयापन हो और वैसा ना लगे जैसे पुराने छात्र लिखते आए हैं, तो हमने थोड़ा इसमें फिगर भी डालने का प्रयास किया है कि अगर आप किसी भाषा के बारे में लिख रहे हैं तो उस क्षेत्र को भी आप दर्शा सकते हैं। जैसे ये भोजपुरी का क्षेत्र है तो हमने प्रयास किया है कि भोजपुरी का क्षेत्र भी आप लोग दिखाते हुए चले। ठीक है, इस तरह के से हमने सब कुछ करने कवर करने का प्रयास किया है। आदिकाल पे हमने कुछ नोट्स दिया है, इसकी प्रवृत्तियां पूछता है, तो ये सारे चीजें कवर हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह असाध्य बीड़ा है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इस सारे मतलब कहने का मतलब ये था कि किस तरह से अप्रोच करना है वो हमने आपको बता दिया है। अब हम अगला डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक पे या किस तरह के से हमको नोट्स बनाना है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि किन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कहेंगे कि साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे शब्द सेवा में कैसे लिखना है, आपको बता दिया कि जिस पॉइंट पर जैसे पूछे विद एग्जाम्पल आप उस चीज को लिखते हुए चलिए।
तो आप विथ एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करिए, किस पेन का इस्तेमाल करना है। पेन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए पेन तो मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आजकल ये पेन जो है काफी ट्रेंडिंग में रहता है, तो अगर आप चाहें तो पेंटोनिक का ये पेन आता है, इस पेन को आप लेकर लिख सकते हैं। बाकी अगर आपका किसी और पेन के साथ लिखने का अभ्यास है तो आप उस पर लिखिए। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट से बातें कर ली हैं कि किन बातों का ध्यान देखना है, उत्तर लेखन में देना है, शब्द सीमा कैसे देना ये देख लिया हमने, इस पॉइंट को देख लिया, इसको देख लिया, किस पेन का इस्तेमाल करना इस पॉइंट को देख लिया। अब अगला सवाल आता है कि अभ्यास कहां से करें। ठीक है, देखिए अभ्यास के लिए हमने पहले ही बताया है आपसे, एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं मैं आप लोगों से, अभ्यास के लिए दृष्टि आईएएस का एक नोट्स आता है मार्केट में, ये इसमें टेक्स्ट होते हैं, ये टेक्स्ट होता है सेम, यही एक नोट्स आता है जिसमें वो 300 से 400 प्रश्नों का अभ्यास देते हैं, उसमें 300 400 प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर रहेगा, आप वो ले ले सकते हैं। या मार्केट में आपको क्रॉनिकल की ये किताब मिलती है, क्रॉनिकल की ये बुक पुस्तक आती है मार्केट में, आप इस पुस्तक को भी लेकर के पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हमारा आप बैच ज्वाइन करते हैं तो हम इतनी ये टेक्स्ट जो हमारा नोट्स है इस नोट्स को अपने बैच में प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ विस्तृत जितने भी मार्केट में रिसोर्सेस हैं हमने उसको उसमें कवर करने का प्रयास किया है, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। बाकी अगर आपको सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम देना है तो स्क्रीनिंग के लिए इस नोट्स को भी आप बाय कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपने घर मंगा सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने हर पॉइंट्स को डिस्कस करने का प्रयास किया है। बाकी अगर आप हरियाणा एसोसिएशन प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको स्क्रीनिंग प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें अगर आप प्री निकाल देंगे तो आपको लिखित परीक्षा की तैयारी फ्री में कराई जाएगी, अगर आपने लिखित क्वालिफाई कर लिया तो आपको इंटरव्यू के गाइडेंस निःशुल्क दिया जाएगा। इसके फीचर्स क्या है, इसमें हमने 300 प्लस लेक्चर्स आपको देंगे, 50 प्लस टेस्ट देंगे, यानी कि आपको पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस भी करवा देंगे, उत्तर लेखन का अभ्यास कराएंगे, इंटरव्यू को गाइडेंस देंगे। तो आप इस नंबर पे या हमारे दिए गए नंबर पे 94 आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9450403952, इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और आप हमारा एचएन अध्ययन एप्लीकेशन, एचएन अध्ययन ADHYAYAN ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके हमारा बैच जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई और सवाल बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सब उसको भी डाउट आपका क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।